राज जी एक बहुत ही स्वीट, बड़े अच्छे इंसान, बड़े मेहनती इंसान हैं, और इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, ये हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और बहुत सारा काम करते रहें हम सब मिलके, और इनक्रेडिबल इंडिया भी इनकी सुपर हिट हो जाए, मेरी बहुत शुभकामनाएं। तो आप किस तरह से इस फिल्म को देख रहे हैं, जिस तरह से फौजियों को लेकर ये फिल्म बनाई गई है, तो ये फिल्म देशभक्ति से कितनी जुड़ी रहेगी और लोग कितना पसंद करेंगे इस फिल्म को? ये लोग देखो, मेहनत बहुत होने वाली है इस फिल्म के अंदर, तो मेरे ख्याल से लोगों को बहुत पसंद करना चाहिए। और फौज का आजकल ज़रा लोगों के दिल में जज्बा जागने लग गया और ज़्यादा, और बहुत सी ऐसी पिक्चरें और भी बन रही हैं उरी अटैक के बाद, तो और भी ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं। ये पिक्चर वाकई बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, मेरी बहुत तमन्ना है कि हम वैसे ही करें जैसा मैंने सोचा हुआ है। तो बहुत सारे देशभक्ति सॉन्ग है, कोई ऐसा सॉन्ग जो आप कभी मूड हुआ तो आप गुनगुना लेते हो? देशभक्ति के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं वाकई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो मनोज कुमार साहब का एक बड़ा खूबसूरत है ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है। अली जी, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे राज जी के जन्मदिन? भाई हम सब लोग, जैसा कि गुलशन जी ने कहा, हम सब लोग इनको मुबारकबाद देने आए हैं। आज खुशी की बात है कि राज जी का आज बर्थडे है, और इनक्रेडिबल इंडिया का प्रचार इतना हो गया कि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, साहब ये फिल्म कम्प्लीट हो गई क्या? हम कहते हैं शुरू हो रही है, और बहुत सारे कलाकार हैं इसमें, देशभक्ति पे ये फिल्म बन रही है और बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। तो मालिक इनको लंबी उम्र दे और ऐसा ही जज्बा दे, ऐसे देश के बारे में ऐसी फिल्में बनाएं, और हम सब कलाकारों को, नए कलाकारों को, बहुत सारे कलाकारों को इन्होंने अपनी फिल्म में कास्ट किया, तो ये बहुत बड़ी बात है, और जो नए कलाकार हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नहीं बस, हम तो ये मेरी दूसरी फिल्म होगी और बहुत ज़िंदा दिल इंसान है, तीसरी बहुत ज़िंदा दिल इंसान है ये, और कमिटेड आदमी है, कमिटमेंट के मामले में बहुत धनी है, और बड़ा दिल खोल के हर चीज़ को एक बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है एक नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए या नए एक्टरों के लिए, इतना इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ कि आज तक हम लोगों को भी ऐसा नहीं मिला था, तो इससे गुड, और मालिक करे इनकी सोच पूरी हो, हम सब इनके साथ हैं। अली जी ने बहुत सारी हिट फिल्में दी हुई हैं, तो जिस तरह से ये फिल्म एक देशभक्ति फिल्म बनकर लोगों के बीच में आ रही है, तो क्या लगता है इस फिल्म में क्या कुछ खास होगा कि दर्शक इसे पसंद करेंगे? क्योंकि फ्राइडे बहुत सारी फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन इस फिल्म में ऐसा क्या खास होगा कि दर्शक इसे देखना चाहेंगे? देखिए, हर प्रोड्यूसर की कोशिश होती है कि मेरी फिल्में फ्राइडे को जो रिलीज़ हो तो उसको पब्लिक पसंद करे, अप्रिसिएशन मिले। मुझे लगता है इस फिल्म में बहुत दिनों से काम चल रहा है, कहानी पर काम चल रहा है, तो ऑफकोर्स ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी, और मैं दावे से कहता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोगों का किस्मत जो है इस फिल्म से जुड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी, मेरी ऐसी दुआएं हैं। तो सर गुलशन जी, आप क्या किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे जन्मदिन और फिल्म को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट। नमस्कार, मैं हूँ शिवपूजन तिवारी। आज हमारे प्रोड्यूसर राज राजपूत जी का जन्मदिन है, इस अवसर पर हमें लाख लाख शुभकामनाएं देंगे, और सबसे बड़ा शुभकामनाएं देंगे कि उनकी इनक्रेडिबल इंडिया पूरे हिंदुस्तान में सुपर डुपर हिट हो। मेरी जो भूमिका है वो सस्पेंस है, उस बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस फिल्म को हम इस तरह से देखते हैं, इसमें ड्रामा है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, और बहुत सारी उम्मीद इसलिए है कि अभी उरी के बाद जस्ट जो अभी उरी को सफलता मिली है, इसलिए हम लोग भी उम्मीद है कि भाई इससे भी ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि ये भी देशभक्ति पे है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर एक कहानी आधारित है। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपका जो इसमें किरदार है वो सस्पेंस है, तो क्या वो किसी ऐसी कड़ी को जोड़ती है जो अभी लोगों को बताना आप नहीं जरूरी नहीं समझते? जी, वो क्या है कि कहानी के हिसाब से सस्पेंस है, और हम सस्पेंस को खोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसे देखने के लिए, हमारे कैरेक्टर को देखने के लिए हमारी मूवी देखनी पड़ेगी। आपकी क्या शुभकामनाएं होंगी और एज ए फिल्म आप किस तरह से इसमें भूमिका निभाएंगी? या माई सेल्फ एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल, और मैं राज जी के बर्थडे पर उनको सबसे पहले बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ, कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ। एंड द थिंग इज दैट, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया है, फिल्म हमारे देश का आईना है, फिल्म से मोटिवेशन मिलता है, तो इतना अच्छा सब्जेक्ट उन्होंने लिया है, तो उनके बर्थडे पर मैं विश करती हूँ कि वो आगे भी लाइफ लॉन्ग इसी तरह की फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। तो राज जी को आप कैसे जानते हो, कब से आप जुड़ी हुई हैं राज जी से?
मैं काफ़ी पहले से राज जी से जुड़ी हुई हूँ और इस तरह के सब्जेक्ट्स लेकर जब वो आते हैं तो आई फील सो हैप्पी कि हाँ अभी फिल्म इंडस्ट्री में समवन इज़ देयर हु इज़ गोइंग टू मोटिवेट द यूथ, समवन इज़ गोइंग टू डिवोट द टाइम एंड यू नो प्रोडक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, जैसे बॉर्डर जैसी और जैसा कि सर ने बोला कि अभी उरी जैसी फिल्म आई हैं, तो अभी वो ट्रेंड वापस आने वाला है और राज जी उसको लेकर आ रहे हैं, दैट्स टू ग्रेट। मेरा नाम ममता पाठक, मैं ये मूवी में काम कर रही हूँ इनक्रेडिबल इंडिया में, और सर को जन्मदिन की बहुत बधाई देना चाहती हूँ, सर को बधाई देना चाहती हूँ, उनको भगवान करे उनका साथ हो और आगे बढ़े और अच्छा काम करें और हम भी उनके साथ में हैं। मैं सीमा शर्मा पूर्वी हूँ और इसमें मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, एक्टर की दोनों काम करने जा रही हूँ इंडिया में, और सर की बहुत बधाई बर्थडे इसका। सभी सुनने वाले श्रोतागण को मैं प्रणाम नमस्कार बोलना चाहता हूं। मैं विजय सिंह पटेल प्रयागराज उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र वसुंधरा से, और आप सबको बताना चाहते हैं रेणुका राज राजपूत सिंह फिल्म का ये जो बैनर है, जो अपना प्रोडक्शन है, उसके आनर और जो है हमारे बड़े भाई इनक्रेडिबल इंडिया हिंदी फिल्म के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मिस्टर श्री राज राजपूत सिंह जी का आज जो है जन्मदिन है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, और मैं उनसे यही तहे दिल से सहृदय से यही कामना करता हूं कि उनका प्यार दुलार आशीर्वाद जो है हम सबको मिलता रहे, भगवान उनको कामयाबी दें, उनकी मनोकामना को पूर्ण करें, वो उनका काम हर एक कदम अग्रसर होता रहे, आगे बढ़ता रहे, वो अपने मंजिल तक पहुँचें, मेरी यह तहे दिल कामना है, सहृदय यही कामना है। आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे जन्मदिन की राज्य को? जन्मदिन की हम तो भाई दिल से ही शुभकामनाएं दे रहे हैं। त्यागी जी इंदिरा गांधी के जमाने के हैं, इंदिरा गांधी इनके जब आई थी मुंबई में तो इंदिरा गांधी के साथ मतलब हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर करे जो प्रयास वो कर रहे हैं फिल्म पूरी सफल हो, अच्छे ढंग से हर स्तर पर फिल्म का काम अच्छे ढंग से हो और फिल्म सक्सेस हो, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। फिल्म उनके मन में है, ऐसा ही देश को दिखाने वाले हैं वो, और ऐसे ही देशभक्ति फिल्म लाते रहेंगे वो जब तक रहेंगे, और ऐसे ही देशभक्ति फिल्म हम लोग को अच्छा ही लगेगी। तो राज्य के लिए कोई बर्थडे विश कोई गाना गा के देंगे आप? सॉन्ग तो मैं नहीं करता, एक्टर हूँ, मुझे सॉन्ग नहीं आता है। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि RR बैनर से जो जितनी भी मूवी बनेगी देशभक्ति मूवी बनेगी, और राज राजपूत जी हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई जैसे हैं, आज उनका बर्थडे है, हमारे लिए बहुत दिल से खुशी है। इसके पहले हमारी बदला हिंदुस्तानी की एक मूवी आई थी जिसमें मैं लीड किया था, और उसके पहले भी हम लोग RR बैनर से काम कर चुके हैं, और इस फिल्म को हमारी बदला ये इनक्रेडिबल इंडिया मूवी को मतलब जितना भी ये मिले वो हमारे लिए खुशी होगी इस बात की, और इसके आगे भी हम लोग मूवी करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर राज सिंह राजपूत का जन्मदिन है, तो मैं उनके जन्मदिन पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वो अपने जीवन में हमेशा खुश रहें और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं, और ये हमारा फिल्म जो बन रहा है इनक्रेडिबल इंडिया, ये देशभक्ति फिल्म है, जैसे अभी बताया इन्होंने कि ये बॉर्डर माँ तुझे सलाम जैसे फिल्म है, और इस फिल्म की विशेषता ये है कि हमारे सर जो है इस फिल्म के बेनिफिट का 25% देश के जवानों और किसानों को देंगे, तो ये बहुत ही अच्छी सोच है। आप राजी को कब से जानते हैं, उनसे जुड़ी कोई बातें बताना चाहेंगे? चार से सर को जानता हूँ, और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज इस पार्टी में पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोग, मैं 2-3 बार पार्टी में देख चुका हूँ कि आप सब लोग आते हैं, इस कवरेज को करते हैं पार्टी को, इसलिए तय दिन धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो इनक्रेडिबल इंडिया फिल्म के RR फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं, इनको मेरे पास कोई शब्द नहीं इनके कहने के, क्योंकि इनको जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो कॉन्सेप्ट पे शायद है कि फिल्म इंडस्ट्री अभी तक ये सोचा नहीं होगा। सबसे पहला तो न्यू आर्टिस्ट को लेके आए और सबको लेके चल रहे हैं इस फिल्म में इनक्रेडिबल इंडिया में, और उनको धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज उनका जन्मदिन है तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको लंबी उम्र दे, उनके सारे कुछ सपने पूरे करें, और
इंडिया फिल्म को जो है उसको आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस फिल्म में सहयोग करें जिससे फिल्म हमारी ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में नाम कमाएगा। जी प्रोड्यूसर से तभी तो हम लोग काम करेंगे आगे जी। और ये जो फिल्म है देशभक्ति फिल्म बहुत अच्छी फिल्म, इसमें आपको हॉरर प्लस कॉमेडी देखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। और हम लोग दुआ करते हैं आप सब मीडियागंज से आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं ताकि प्रचार हो सके, बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, यही दुआ करते हैं। नहीं गिफ्ट क्या देने का, सबसे बड़ी बात अभी वो इंडिया के लिए इतनी बड़ी फिल्म दे रहे हैं इनक्रेडिबल इंडिया, तो ये इंडिया के लिए गिफ्ट है। और ख़ास तौर से इस फिल्म में हम लोग काम कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा तो गिफ्ट हम लोग को दिया है, तो हम बहुत छोटे हैं अभी उनको गिफ्ट देने के लिए, बस हमारा प्यार ही हमारा गिफ्ट है। और काफ़ी मज़ा आ रहा है कि आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं उनको बहुत शुभकामना देता हूँ क्योंकि देश के ऊपर जो फिल्म है, क्योंकि पहले भी उन्होंने देश के ऊपर फिल्म बनाई थी और जो आज भी बनने जा रही है इनक्रेडिबल इंडिया वो भी देश के ऊपर है, और आने वाली हर फिल्म वो देश के ऊपर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ उनके जन्मदिन की। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए जन्मदिन में, थैंक यू सो मच। राज सिंह राजपूत ये सिर्फ मेरे लिए प्रोड्यूसर ही नहीं है, मैं उनको अपना छोटा भाई मानता हूँ और वो मेरे फैमिली मेंबर हैं। और उनको अगर मैं अपनी उम्र भी दे दूँ तो शायद कम है क्योंकि हम लोग एक ही उम्र के हैं लगभग, तो मैं बस उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा प्रोड्यूसर राज राजपूत सिंह के लिए, क्या उनको ज़िंदगी सारी खुशी मिले, कामयाबी मिले, क्योंकि वो पहले ऐसे इंसान हैं जो देश के बारे में मुझे लगता है कि ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं। हम जैसे नए कलाकारों को मौका देते हैं, तो आई एम रियली वेरी लकी टू वर्क इन दिस आरआर बैनर एंड आई विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे ब्रो एंड गॉड ब्लेस यू एंड भगवान आपको इसी तरह कामयाबी दे ताकि हम भी आपके साथ कुछ करने का जज्बा रखें और आगे बढ़े। आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है, आपकी कामयाबी देखकर बहुत अच्छी लगती है, और स्पेशली मैं मीडिया वालों को थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि आप भी हमारे साथ हर फंक्शन में अटेंड हो रहे हो, हमारे फैमिली मेम्बर जैसे हो। तो आज हमारे भाई का जन्मदिन है, फिल्म के बारे में मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँ क्योंकि 25% तो वैसे भी हम देते ही हमारे फिल्म के लिए, इनक्रेडिबल इंडिया है जो मूवी है, इंडो पाक क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी है, बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा। एंड हमें आज अपने छोटे भाई को बस यही विश करना है कि आई विश हिम ऑल द बेस्ट और उनको बहुत लंबी उम्र मिले, इसी तरह वो फिल्म बनाए, हम सब लोगों को मौका मिले और हम भी उनके साथ इसी तरह हमारा रिश्ता निभाते हुए चले, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर राज सिंह राजपूत का आज बर्थडे है। सर्वप्रथम मैं राज सिंह को प्रणाम करता हूँ क्योंकि आज हम लोग जो इस फिल्म में काम कर रहे हैं राज सर की बदौलत ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फिल्म इनक्रेडिबल इंडिया बहुत अच्छी मूवी है, जो कि हमारे राज सर की सोच है कि हमारी फिल्म जितनी बने देशभक्ति बने, और क्योंकि पारिवारिक जो हम माँ बहन भाई और बेटे जो सब लोग साथ बैठ के इस फिल्म को देख सकें, ऐसी फिल्म बनाने की हमारे राज सर की जो सोच है बहुत अच्छी सोच है, और राज सर को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। और हमारे राज सर की जो सोच ये है कि इस फिल्म की जो 25% देश के किसान और जवान को दे रहे हैं वो सोच बहुत बढ़िया है राज सर की, और इसी के बात के साथ मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक बात और कहता हूँ, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे हमारे राज सर की जिंदगानी रहे। और मीडिया जन्मदिन की क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे राज जी को, किस तरह से अपने बर्थडे विश देना चाहेंगे? पहली बात तो मेरा नाम नाजमा शेख है, माय नेम इज नाजमा शेख, और मैं सबसे पहले तो राज सर को बधाई देना चाहती हूँ, विश यू वेरी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि राज सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, और मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ कि जल्दी से उनकी फिल्म शुरू हो, और मतलब बहुत बस इतना ही कहना चाहूँगी। मेरा नाम तनुश्री मुखर्जी है और मैं राज सर को हैप्पी बर्थडे कर रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, और आज हम उनके बर्थडे पे एकत्रित हुए हैं, आज फिल्म की कोई बात नहीं कर रहे, आज सिर्फ बर्थडे विश कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे राज सर। थैंक यू।
थैंक यू। इनको हम जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि हम जब से जुड़े हैं उनके साथ, साथ में काम कर रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह हमको फैमिली की तरह संभाला है, हमें आगे बढ़ाया है स्टार्ट से, तो उनके लिए हम बहुत दुआएं करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करें आने वाली फिल्म इनक्रेडिबल इंडिया में। बस धन्यवाद, थैंक यू। मैं राजस्थान को डायरेक्टर साहब को मैं हैप्पी बर्थडे पे उनको मैं विश करने आया हूँ, और मुझे उन्होंने थर्ड बार मुझे उन्होंने अपना काम करने के लिए वो मौका दिया है, और इसमें मैंने दो बार छोड़ दिया, तीसरी बार मैंने उनको काम करने के लिए मौका लिया हूँ, और इसमें ये फिल्म इंटरव्यू इंडिया बहुत अच्छी फिल्म है, इसके लिए मैं भी काम करने के लिए राजी हुआ हूँ, और मैं फिल्म को मैं काम कर रहा हूँ फर्स्ट बार। ठीक है, हैप्पी बर्थडे। मैं नीरज राठौर, मैं जो इनक्रेडिबल इंडिया में काम कर रहा हूँ, और जो मेरे सर ने जो मेरे चांस दिया हुआ है, इसमें देश का पिक्चर बनना है, ये जो 20%, 25%